नमस्कार, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 जो हमारी लेखा शास्त्र पुस्तक है उसमें बैंक से संबंधित जो जनरल परिस्थितियां हैं उनको हम आपको समझाएंगे। एक व्यवसाय द्वारा आज वर्तमान में समस्त लेन देन बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। तो व्यवसाय द्वारा जब बैंक में अकाउंट जो रखा जाता है वो होता है चालू खाता, करंट अकाउंट, चालू खाता। वैसे खाते इसमें कुछ खातों के नाम दिए हुए हैं, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, स्थायी जमा खाता। लेकिन एक व्यवसाय द्वारा जो बैंक में अकाउंट रखा जाता है वो होता है चालू खाता। तो सबसे पहले हम प्रविष्टि आपको बताते हैं। बैंक एक व्यक्तिगत खाता है। तो उस व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो सबसे पहले यहां हम प्रविष्टि देखो, बैंक में खाता जब व्यवसाय द्वारा खुलवाया जाता है या बैंक में पैसे जब जमा करवाए जाते हैं तो एक व्यापार के अनुसार बैंक कौन हो गया? पाने वाला। और व्यापार से जा क्या रहा है? कैश। तो बैंक के अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार के अनुसार एक व्यवसाय के अनुसार बैंक पाने वाला है और व्यवसाय से जा क्या रहा है? कैश। तो जनरल क्या बनी? बैंक अकाउंट DR2 कैश। ये एक व्यक्तिगत खाता है तो इसको हमने डेबिट किया है, पाने वाला है बैंक। यहां व्यापार से जा क्या रहा है? कैश। यानी वस्तुगत खाते का रूल है कि जो वस्तु जा रही है उसको CR करते हैं। इसी प्रकार बैंक से राशि निकालने पर तो हमारे व्यवसाय या व्यापार में आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। देने वाला कौन है? बैंक। तो हमारी जो जर्नल है वो बनेगी कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट है। क्योंकि ये कैश खाता है, जो रोकड़ खाता है वो वास्तविक है और ये है व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते का रूल है देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं और वस्तुगत खाते का जो रूल है जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं। तो प्रविष्टि बनी हमारे व्यापार में क्या आ रहा है? कैश। तो प्रविष्टि बनी कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। इसी प्रकार व्यवसायी के निजी प्रयोग हेतु राशि निकालने पर, व्यवसायी बैंक से निजी काम हेतु जब राशि विड्रॉल करता है, निकालता है, तो हमारी जो जर्नल है वो बनती है पाने वाला कौन है? व्यवसायी, व्यापार का स्वामी। लेकिन यहां स्वामी का नाम नहीं आता, उसका जो पर्सनल अकाउंट है उसका नाम लिखा जाता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, पैसे देने वाला कौन हो गया? बैंक। तो यहां बैंक खाता क्रेडिट किया गया है और निजी काम के लिए स्वामी ने पैसा निकाला है तो यहां ड्रॉइंग्स अकाउंट को DR किया गया है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। अगली जो प्रविष्टि है, किसी ग्राहक से चेक प्राप्त होने पर तब उसे उसी दिन बैंक में जमा करवाने पर। मान लो आज मेरे को किसी कस्टमर से या ग्राहक से या देनदार से चेक प्राप्त हुआ और उस चेक को आज की तारीख में ही मैंने बैंक में जमा करवा दिया, तो व्यापार या व्यवसाय के अनुसार पाने वाला कौन है? बैंक। और देने वाला कौन है? जो कस्टमर या डेटर। तो हमारी जो जर्नल बनेगी बैंक अकाउंट DR2 डेटर अकाउंट है। अब इसी प्रविष्टि में जैसे मान लो आज किसी ग्राहक से चेक प्राप्त हुआ और आज को छोड़कर मैंने किसी अन्य दिन उस चेक को बैंक में जमा करवाया, तब प्रविष्टि ये नहीं बनेगी, फिर अलग प्रविष्टि होगी। आज किसी कस्टमर से चेक प्राप्त होने पर प्रविष्टि बनेगी मेरे पास के क्या आ रहा है? चेक एक रोकड़ की भांति होगा। तो कैश अकाउंट DR2 कैश अकाउंट DR2 डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट DR2 डेटर अकाउंट, यदि मेरे को किसी कस्टमर से जब चेक प्राप्त हुआ है और अन्य दिन उस चेक को बैंक में जमा करवाने पर, तो प्रविष्टि बनेगी यहां पर पाने वाला कौन है? बैंक। जाके आराम हमारे व्यवसाय से कैश, तो प्रविष्टि बनेगी बैंक अकाउंट DR2 कैश। लेकिन ये दोनों मैंने जो अभी बताए एक ही दिन में लेन देन हो तब ये प्रविष्टि बनेगी बैंक अकाउंट DR2 डेटर। और अलग अलग दिन में होते हैं, आज चेक प्राप्त होता है उस चेक को मैं कल या परसों बैंक में जमा करवाता हूं तब प्रविष्टि बनेगी आज चेक प्राप्त होने पर कैश अकाउंट DR2 डेटर। क्यों? चेक एक रोकड़ की भांति होता है। और अन्य दिन यानी कल या परसों जब उस चेक को बैंक में जमा करवाऊंगा तो बैंक कौन हो गया? पाने वाला। और व्यापार से जा क्या रहा है? कैश। तो प्रविष्टि बनेगी बैंक अकाउंट DR2 कैश। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें कैश और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं। इसके बाद
ग्राहक द्वारा राशि सीधे ही हमारे बैंक खाते में जमा कराने पर। हमने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा है, यदि कस्टमर द्वारा सीधे ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं तो हमारे व्यवसाय के अनुसार बैंक कौन है? पाने वाला। पैसे देने वाला कौन है? डेटर। तो परिष्टि क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर, ये दोनों ही व्यक्तिगत खाते हैं। फिर अगली जो परिष्टि है, जमा कराए हुए चेक के अनादरण पर। जो चेक ग्राहक ने बैंक में ग्राहक का जो चेक है, जो ग्राहक ने पैसे बैंक में जो जमा करवाए हैं और वो चेक अनादरित हो जाए, कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, तो व्यवसाय में जो प्रविष्टि बनेगी, वापस डेटर का खाता, वापस डेटर का खाता क्या है? डेबिट कर दिया जाएगा, उसके पैसा नाम लिख दिया जाएगा और बैंक खाते को वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब कस्टमर का चेक यदि कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, अनादरित हो जाता है, तब इसकी विपरीत प्रविष्टि वापस कर दी जाएगी। तो प्रविष्टि बनेगी हमारी डेटर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। आगे माल संपत्ति किसी वे का एवं किसी व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान करने पर। तो सबसे पहले माल, तो हम जब माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट चेक द्वारा करते हैं तो परिष्टि बनेगी हमारी, हमारे पास क्या आ रहा है? माल। तो परचेज अकाउंट डीआर टू भुगतान चेक के माध्यम से किया जा रहा है, तो परिष्टि बनेगी पूर्ण परिष्टि परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार कोई संपत्ति खरीदते हैं और भुगतान चेक के माध्यम से खरीदते हैं, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। और भुगतान हमने चेक के माध्यम से किया है तो परिष्टि बनेगी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार किसी वे का चेक द्वारा पेमेंट करने पर, मान लो बिजली वे चेक के माध्यम से भुगतान किया, बिजली वे का चेक के माध्यम से भुगतान किया, तो यहां पर समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं, तो खर्चे का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। यानी कोई भी खर्चा, एक्सपेंसेस कोई भी खर्चा होता है और उस खर्चे का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है, तो यहाँ बैंक खाता क्रेडिट होगा और जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट होगा। आगे किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान करने पर, मान लो हमने किसी को पेमेंट करना है, किसी व्यक्ति को भुगतान करना है, तो यहां पर उस व्यक्ति का नाम आएगा। उस व्यक्ति पाने वाला कौन है? वो व्यक्ति जिसको हम डेबिट करेंगे, और जाके आराम से चेक, तो प्रविष्टि बनेगी, जैसे मान लो राम है, राम को हमने भुगतान किया, तो यहां प्रविष्टि बन जाएगी राम से अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। तो इसी प्रकार इन चारों में माल संपत्ति एक्सपेंसेस या किसी भी व्यक्ति को भुगतान, इन चारों ही प्रविष्टियों में बैंक खाता क्रेडिट होगा और ये चारों ही डेबिट होंगे। अब आगे बैंक द्वारा, बैंक द्वारा जमा पर ब्याज देने पर। तो हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं तो उस पर जब बैंक द्वारा ब्याज दिया जाएगा तो प्रविष्टि ये बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट व्यवसाय के लिए लाभ है, लाभ है, तो समस्त आय एवं लाभ को हम यहां क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बैंक खाता इसलिए डेबिट किया गया है, इंटरेस्ट के पैसे पाने वाला कौन है? बैंक, तो बैंक को यहां पर डेबिट किया गया, पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। मान लो बैंक द्वारा ब्याज वसूल किया जाता है, बैंक द्वारा जब ब्याज हमसे लिया जाता है तो व्यवसाय के लिए हानि होती है, हानि होने पर इंटरेस्ट खाता वापस क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, है? तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक है, तो ब्याज के पैसे देने वाला भी कौन हो गया? फिर बैंक ही हो गया। क्यों? हमारे जो बचत खाते में या जो पैसे जमा है उसी में से कटौती होती है, तो ब्याज देने पर तो प्रविष्टि ये बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, और ब्याज वसूल करने पर इसकी जो विपरीत प्रविष्टि बनती है, बैंक द्वारा जब ब्याज वसूल किया जाएगा तो प्रविष्टि बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक। अब एक प्रविष्टि और है, बैंक द्वारा अपनी सेवाओं हेतु बैंक वे संग्रहण करने पर। बैंक जो हमें अपनी सेवाएं देता है, हमारी ओर से कार्य करता है, मान लो किसी वे का भुगतान करता है, जो जो हमने बैंक को निर्देश दे रखे हैं, तो बैंक अपनी सेवाओं के बदले कस्टमर से बैंक चार्जेज, यानी बैंक चार्जेज जो हमारे व्यवसाय के लिए एक एक्सपेंसेस है वो वसूल करता है। तो परिष्टि क्या बनी? बैंक चार्जेज अकाउंट डी आर टू बैंक। क्यों? बैंक चार्जेज व्यापार के लिए खर्चा है, खर्चे को डेबिट किया गया और पैसे
रुपये देने वाला कौन है? बैंक। तो प्रविष्टि बन जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर टू बैंक। अब इन समस्त प्रविष्टियों को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। हम बैंक से संबंधित जो प्रविष्टि है आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले हम राम की पुस्तकों में, राम ने SBI में एक बैंक खाता खोला, यानी बैंक में रुपये जमा करवाए, तो व्यापार के अनुसार पाने वाला कौन है? बैंक। तो सबसे पहले बैंक खाते को डेबिट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां ईयर लिखेंगे 2020 जुलाई 1, तो पाने वाला कौन हुआ? बैंक। बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से जा क्या रहा है? रोकड़। तो जो वस्तु जा रही है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बैंक यहां पर पाने वाला है, तो 75,000 रुपये बैंक में जमा करवाए खाता खुलवाने पर, 75,000 रुपये डेबिट में और 75,000 रुपये ही क्रेडिट में। अब क्योंकि बैंक एक व्यक्तिगत खाता आपको पहले भी बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर पाने वाले को डेबिट और जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करते हैं। अगली जो प्रविष्टि है जुलाई 2, सुनील से माल खरीदा और वह उसे चेक से भुगतान किया 40,000 का। कितने का? 40,000 का। तो सबसे पहले माल खरीदने पर हमने सुनील से जो माल है खरीदा और उसका पेमेंट चेक के माध्यम से किया गया है, तो माल खरीदने पर यहां जुलाई दो परचेजेज, माल खरीद क्रय करने पर परचेज खाते को डेबिट करते हैं, परचेजेज अकाउंट DR। अब हमने नगद रुपए न चुकाकर उसे चेक द्वारा पेमेंट किया गया है, तो सुनील को भुगतान करने वाला कौन है? देने वाला कौन है? बैंक। तो देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बैंक एक व्यक्तिगत खाता है। परचेजेज अकाउंट DR2 बैंक खाता, बैंक अकाउंट कितने रुपए का? 40,000 का। तो फिर से एक बार आपको दोबारा बताते हैं, हमने सुनील से माल खरीदा है तो और चेक से पेमेंट किया है, तो माल क्रय करने पर परचेज अकाउंट डेबिट होता है। कौन सा? परचेज खाता डेबिट होता है और माल का भुगतान यानी पैसे देने वाला कौन है? बैंक। तो देने वाले को यहां पर क्रेडिट किया गया है 40,000। अब इसके आगे ये लिखा है सुशील को माल बेचा 10,000 का। जुलाई 5 को यहां पर हमने सुशील को माल बेचा है, तो सुशील कौन है? पाने वाला। माल को कौन है? पाने वाला। जुलाई 5 माल हमने सुशील को बेचा, सुशील पाने वाला है। सुशील अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट कितने का? 10,000 का माल बेचा है सुशील को। ये उधार का लेन देन है, क्योंकि यहां सुशील का खाता डेबिट किया गया है। यदि नगद में बेचा हुआ होता तो यहां पर कैश खाता डेबिट होता, और हमने यदि सुशील को माल बेचा है और उसका भुगतान यदि चेक द्वारा प्राप्त किया हुआ होता तो यहां पर भी एंट्री बनती कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट है। लेकिन हमने यहां पर सुशील को उधार माल बेचा, जिसकी परिष्टि बनी सुशील अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। फिर जुलाई 6 को सुशील से चेक प्राप्त हुआ। तो अभी हमने परिष्टियां जो समझी थी उसमें जब चेक प्राप्त होता है और वो चेक हमारे लिए कैश की भांति होता है, रोकड़ की भांति होता है, तो हमें रोकड़ प्राप्त हो रही है, तो उस हिसाब से यहां पर एंट्री बनेगी जुलाई 6 को एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR
देने वाला कौन है? सुशील। सुशील से चेक प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डीआर टू सुशील। दस हजार। अब आगे 8 तारीख को सुशील का चेक बैंक में जमा कराया। कौन सी तारीख को? 8 तारीख को। तो हमें 6 तारीख को रोकड़ के रूप में प्राप्त हुआ था। तो हमसे जा क्या रहा है? कैसे जाएगा? जुलाई 8। 8 तारीख को हमने ये जो चेक 6 तारीख को जो मिला था बैंक में जमा कराया। तो पाने वाला कौन है? बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब आप देखिए 10,000 का। अब आप फिर से देखना, हमने 5 तारीख को सुशील को माल बेचा था, तो ये उधार माल बेचा था जिसकी जनरल हमने बनाई थी। सुशील अकाउंट डी आर टू सेल्स 10,000। 6 तारीख को हमें सुशील से चेक प्राप्त हुआ तो एंट्री हम बनाएंगे, क्योंकि जो चेक हमारे लिए कैश की यानी रोकड़ की भांति है। तो कैश अकाउंट डी आर टू सुशील। फिर 8 जुलाई 8 को हमने उस चेक को बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक कौन है? पाने वाला। तो बैंक अकाउंट डी आर, क्योंकि हमने 6 तारीख को कौन सा खाता डेबिट किया था? कैश। तो वो अगले दिन कैश खाता क्रेडिट हो जाएगा या किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डी आर टू कैश। लेकिन ये दोनों लेन देन 6 और 8 वाले एक ही दिन के होते। मान लो आज हमें सुशील से चेक मिला और उस चेक को हमने बैंक में जमा करवा दिया, यानी 6 तारीख को चेक प्राप्त हुआ सुशील से और 6 को हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो यहां पर प्रविष्टि ये बनेगी बैंक पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक अकाउंट डी आर देने वाला कौन है? सुशील। तो प्रविष्टि यहां पर दोनों की जगह एक ही प्रविष्टि बनती है, बैंक अकाउंट डी आर टू सुशील, बैंक अकाउंट डी आर टू सुशील। लेकिन अलग अलग दिन में होने के कारण यहां पर कैश खाता डेबिट और क्रेडिट किया गया है। पहले दिन कैश को डेबिट किया गया है, फिर अगले दिन उस चेक को बैंक में जमा कराया तो कैश को क्रेडिट किया गया है। और एक दिन में होती तो प्रविष्टि हमारे व्यापार के अनुसार पाने वाला बैंक होता और पैसे देने वाला कौन है? सुशील। तब प्रविष्टि बनती बैंक अकाउंट डी आर टू सुशील। इसके बाद किराया चेक द्वारा चुकाया 5,000। तो जो ये अवास्तविक खाता है, अवास्तविक खाते का रूल है समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो। जुलाई 9 खर्चे का नाम है रेंट अकाउंट डी आर टू। यदि नगद में होता तो यहाँ कैश खाता क्रेडिट किया जाता, लेकिन हमने खर्चे का भुगतान चेक के माध्यम से किया है तो यहां पर लिख देंगे रेंट अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। पैसे देने वाला कौन है? अबे बैंक। कितने रुपए? 5,000। अब आगे आपको देखना है यहां पर मशीन खरीदी। मशीन खरीदी वह चेक द्वारा भुगतान किया गया। तो हमारे व्यापार में क्या आ रही है? संपत्ति आ रही है। तो जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट, क्योंकि माल व संपत्तियों से संबंधित खाते कौन से होते हैं? वस्तुगत खाते होते हैं। तो वस्तुगत खाते का रूल ये है कि जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट। तो यहां पर मशीन का खाता जुलाई 11 को डेबिट होगा। जुलाई 11 को मशीन अकाउंट डीआर। अब उसका भुगतान किससे? चेक द्वारा किया गया। तो यहां लिख देंगे मशीन अकाउंट डी आर टू बैंक। पैसे देने वाला कौन है? बैंक। कितने रुपए की मशीन है? 20,000। ये है 20,000। अब इसके आगे एक लास्ट प्रविष्टि है कि बैंक ने ब्याज के जमा किए हैं 100 रुपये। तो बैंक हमारे बचत खाते पर जो हमें इंटरेस्ट देता है वो हमारे व्यापार के लिए लाभ है। तो हम समस्त आय और लाभ को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और पैसे तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री अभी अभी आपको बताई थी, बैंक ने ब्याज के जमा किए तो प्रविष्टि बनेगी पैसे पाने वाला भी कौन है? बैंक। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो
जो लास्ट जुलाई 13 वाली जो प्रविष्टि है, जुलाई 13, तो यहां पर प्रविष्टि बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट ये हो गए 100 रुपये। इस प्रकार हम जनरल प्रविष्टियां बनाते हैं। तो यदि बैंक ब्याज वसूल करता तो हमारे व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए खर्चा होता, तब यहां एंट्रीज की विपरीत प्रविष्टि बन जाती, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक। इसी प्रकार बैंक अपनी हमें जो व्यवसाय को जो सेवाएं देता है, हमारी ओर से कार्य करता है, तो उसके बदले हमसे वो चार्ज वसूल करता है, तो वो चार्ज हमारे व्यापार या व्यवसाय के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तब प्रविष्टि बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर टू बैंक। तो आज हमने बैंक से संबंधित जो प्रविष्टियां हैं वो पढ़ी और समझी। तो आप सभी इसका एक बार दोहरान करोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो सहायक भैया है उसके बारे में चर्चा करेंगे।